स्वागत है बिला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल शशांक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज मॉस्किटो रैकेट। जी हां दोस्तों, मॉस्किटो रैकेट या मॉस्किटो बैट जो है उसको कैसे यूज करना है, कैसे चलाना है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले। हालांकि ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन इसको प्रॉपर यूज करना जो है सभी को नहीं आता है। कई बार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि बैट खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, और जो है बैट खराब हो जाता है, फिर रिपेयर करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो दोस्तों उन सब के लिए जो है हमें इस वीडियो में आप जो है शुरू से आगे इस वीडियो को देख अंदर इसको यूज करिए, बाहर जाके हर मच्छर के पीछे मत दौड़िए बैट लेके। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो है अमेजोन से मंगा लिया है एक बैट, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन के अंदर में। ये जो है बैट मैंने मंगाया है, मॉस्किटो बैट या मॉस्किटो रैकेट दोनों एक ही शब्द है, एक ही चीज को बयां करते हैं। तो दोस्तों ये जो है इस तरह की पैकिंग आपको आती है, इसके अंदर में जो है बैट है पॉलिथीन के अंदर में। इसको हम जो है ओपन कर लेते हैं। कई बैट जो है इसमें अच्छे बैट हैं, कुछ थोड़े सस्ते बैट हैं, कुछ जो है थोड़े ज्यादा अच्छे बैट हैं। सबके जो है लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और उनको बाय कर सकते हैं। जो है ये बैट जो है जिसके अंदर में आपको यहाँ लाइट देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं ये जो है लाइट इसके अंदर में जलती है, तो ये काफी अच्छा बैट मुझे लगा, क्योंकि दो यूज है, लाइट इसमें जल रही है, इसके साथ साथ में मॉस्किटो जो है इसके अंदर में आप जो है इसको उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसको जो है दोस्तों कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो जो है बैट को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सामने आपको एक स्ट्रिप देखने को मिल रही है, एक जो है ऑन वन है, एक ऑन टू है, और नीचे जो है ऑफ है। अभी ऑफ में है, जैसे हम इसको ऊपर ले जाते हैं सबसे ऊपर ये जो है ऑन वन है जिसमें आपको लाइट चालू हो जाती है। इसके बाद में सेकेंड आता है आपका ऑन वन का। तो ऑन वन के अंदर में जो है मॉस्किटो के लिए जो हम यूज करते हैं बहुत तरीका है, और इसके ऊपर यहाँ पे एक बटन दिख रही है, इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में आपको इस तरह से हवा में चलाना है, जहां पे जो है मॉस्किटोज आपको देखने को मिल रहे हैं वहां पे इसको इस तरह से चलाना है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो ऊपर जाली बनी हुई इसमें आप हाथ वगैरह मत लगाइए, इसके सेंटर में भी कभी हाथ मत लगाइए, क्योंकि इसके अंदर में वोल्टेज बनाया जाता है और जिस वोल्टेज से आपको जो है झटका भी लग सकता है। कोशिश करिए कि अगर आपके यहाँ बच्चे हैं बहुत सारे तो उनको इस चीज से दूर रखिए। अगर ये ऑन है और उनको उनका यहाँ हाथ वगैरह छिप जाता है तो उनको जो है छोटा सा शॉक लग सकता है, लेकिन लग सकता है क्योंकि अभी यहाँ पे लिमिटेड वोल्टेज है, लेकिन फिर भी जो है इसमें अच्छा खासा वोल्टेज होता है, तो बच्चों से इसको जो है दूर रखिएगा। दोस्तों जब ये चार्ज हो रहा होता है तब आपको इसको यूज नहीं करना है, उसको चार्ज करने के बाद ही आपको प्लग निकालने के बाद में इसको यूज करना है। चार्ज में लगे लगे आप इसको यूज मत करिए, ताकि इंटरनल सर्किट जो है इसके उसमें फॉल्ट ना आए। ये सिंपल है। इसके बाद में यहाँ पे पीछे आप देखेंगे एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, इसके साथ में एक चार्जर आता है और एक मैनुअल भी आता है। तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट में आपको ये चार्जर को जो है लगा देना है, इस तरह से आपको जो है चार्जर को यहाँ पे ऐसा लगा दीजिए। ध्यान दीजिएगा एक साइड में ऊपर जो है आपके यहाँ चार्जिंग, कुछ चार्जिंग स्टैंड वाले भी आते हैं जिसमें स्टैंड रहता है, उसके ऊपर जो है इसको रख दीजिए और बटन को लगा दीजिए, और इस तरह से जो है प्लग यहाँ पे दिया हुआ है इसको सॉकेट में लगाइए और बटन ऑन कर दीजिए। जैसे आप ऑन करेंगे यहाँ पे जो है रेड वाली लाइट है ये आपकी ऑन हो जाएगी, और ये जो है ऑन जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सॉकेट की बैटरी डाउन हो जाती है आपको इसको जो है तुरंत चार्ज में लगा देना चाहिए, ताकि इसका जो बैटरी लाइफ है वो हमेशा के लिए अच्छी रहे। कम चार्ज में इसको यूज मत करिए, ताकि इसका जो इंटरनल सर्किट है वो यहां से जले ना। और इसके अलावा इसमें जो है पानी वगैरह आप इसको यूज मत करिए, इसके ऊपर पहुंचिए मत इसको जबरदस्ती। अगर इसमें ऑलरेडी कोई मॉस्किटो फंस चुका है तो उसको हवा से हटा दीजिए, या फिर ऐसे ब्रश से हटाइए जिसके पीछे में लकड़ी का हैंडल लगा हुआ हो, ना कि कोई लोहे का जो है उसको इसमें मत लगाइए। किसी भी स्टील वाले मटेरियल को इससे टच मत करिए, ताकि आपको भी करंट ना लगे और इसका जो सर्किट है जो बोर्ड इसके अंदर में है वो जो है खराब ना हो। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, और इसको जो है वैसे ही सिंपली आप यूज करिए। अगर ये जो है आपका खराब हो जाता है तो ये जो है चीजें रिपेयर भी हो जाती हैं, और जो है उसको आप जो है रिपेयर करवा सकते हैं। अगर इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो आपको 6 महीने की इसमें वारंटी दी जाती है। तो एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि दोस्तों इसके अंदर में जब भी जो आप इसको यूज करते हैं तो उसमें जो है चिंगारी निकलती है, तो कोई भी ऐसी जगह पे इसको यूज मत करिए जहां पे फ्लेमेबल हो, जगह जहां पे जो है आग लग सकती है, या ऐसे कोई पार्ट पे, ऐसी कोई जगह पे जहां पे ऐसी चीजें रखी हो वहां पे आप इसको